हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्विक लर्न में। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि THDC ने जूनियर इंजीनियर के लिए अभी बहुत सारी वैकेंसीज निकाली हैं और ये वैकेंसी स्पेशली सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो अगर आप सिविल ब्रांच के हो, इलेक्ट्रिकल के हो या मैकेनिकल के हो तो आपके लिए बहुत सारी ओपनिंग्स आई हैं THDC की। आपको अप्लाई कैसे करना है, लास्ट डेट क्या है, आपका एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, सिलेबस क्या होगा, कितनी पोस्ट है, ये सारी डिटेल आज अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि वहां पे मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताने वाली हूँ। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैं आपको लेकर आई हूँ अपनी वेबसाइट में, मेरी वेबसाइट है क्विक लर्न, जहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए THDC ने वैकेंसी निकाली है अभी रिसेंट में, 9 जून को इनका नोटिफिकेशन आउट हुआ है और ये वैकेंसी है 3 डिसिप्लिन के लिए, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए। ये जो THDC की वैकेंसीज हैं वो बेसिकली उत्तर प्रदेश के लिए यानी यूपी और उत्तराखंड के लिए हैं। 2 स्टेट के लिए वैकेंसी निकली हैं, उत्तर प्रदेश के लिए और उत्तराखंड के लिए, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट है कि 9 तारीख को इनका रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ है और 30 जून को इनका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। तो अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो 30 जून तक आप अप्लाई कर सकते हो। 9 जून को इनका रजिस्ट्रेशन चालू हुआ है और 30 जून 2023 को रात में 11:55 पे इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। तो अभी आप अप्लाई कर सकते हो और अप्लाई करने के लिए यहाँ पे लिंक दे रखा है मैंने, इस लिंक में जाके आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अप्लाई करने से पहले एग्जामिनेशन की फीस, टोटल वैकेंसीज कितनी है, एग्जाम किस टाइप से होगा, ये सब अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फीस फॉर एग्जाम 600 रुपीज फीस है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, OBC के लिए, EWS के लिए, ठीक है। और कोई भी फीस नहीं है SC और ST वालों के लिए, या अगर आप एक्स सर्विसमैन हो, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो तो उनके लिए भी कोई भी फीस नहीं है। और जो रजिस्ट्रेशन फीस है आपकी वो नॉन रिफंडेबल है, वो रिफंड नहीं होगी किसी भी केस में। अब यहाँ पे देखिए बैकलॉग वैकेंसी। बैकलॉग वैकेंसी क्या होती है, लास्ट टाइम इन्होंने जो पोस्ट निकाली होंगी उसमें से जिस कैटेगरी के लिए जो पोस्ट वैकेंट रह गई होगी यानी भरी नहीं होगी उसको भी वो इस बार भरेंगे, ठीक है। तो ये 2 कैटेगरी में है, उत्तर प्रदेश के लिए और उत्तराखंड के लिए। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में कितनी बैकलॉग वैकेंसी है, तो सिविल इंजीनियर के लिए 26 है, 13 OBC में, SC में 12 और ST में 1। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 26 हैं, OBC के लिए 13, SC के लिए 12 और ST के लिए 1। मैकेनिकल के लिए 13 हैं, 6, 6, 1। दूसरी कैटेगरी है उत्तराखंड की, इसमें बैकलॉग वैकेंसी है सिविल इंजीनियर के लिए 26 टोटल, जिसमें OBC के लिए 4, SC के लिए 18 और ST के लिए 4। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल पोस्ट है 26, जिसमें OBC की 4, SC की 18 और ST की 4। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल इसकी है 14 पोस्ट, इसमें OBC की 2, SC की 9 और ST की 3, ठीक है। अब ऐसे ही करेंट वैकेंसी हैं, जो वैकेंसी अभी निकली है वो भी उत्तर प्रदेश और झारखंड के लिए अलग अलग हैं। उत्तर प्रदेश के लिए करेंट वैकेंसी सिविल इंजीनियर के लिए 10 हैं, जिसमें अनरिजर्व की 5 हैं, EWS की 1, OBC की 2, ST की 2 और ST की nil हैं। अब आप कहोगे तो टोटल वैकेंसी कितनी है, तो टोटल वैकेंसी 10 प्लस ये वाली 26, मतलब टोटल 36 वैकेंसी हैं उत्तर प्रदेश के लिए।
जिसमें 5 वैकेंसी अनरिजर्व्ड के लिए है, EWS के लिए 1 वैकेंसी है, OBC की 2 वैकेंसी करंट वैकेंसी से ले लो और 13 वैकेंसी ये, तो 13 + 2 15 वैकेंसी हो गई। ऐसी ही ST की 12 वैकेंसी और 2 वैकेंसी करंट वाली, तो 12 और 2 = 14 हो गई। ST की करंट में कोई भी वैकेंसी नहीं है, बैकलॉग वैकेंसी 1 है। ठीक है, तो समझ में आपको आया होगा कि हमारे पास टोटल 36 वैकेंसी हैं सिविल इंजीनियर के लिए उत्तर प्रदेश में। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए उत्तर प्रदेश में करंट वैकेंसी 10 और बैकलॉग वैकेंसी 26, यानी इसकी भी 36 है। कैटेगरी डिवाइड कैसे है वो यहाँ पे दिया है, बैकलॉग 13 OBC की और करंट वैकेंसी OBC की 2, तो 13 2 15। 5 अनरिजर्व्ड के लिए है, 1 EWS के लिए है, SC के लिए जो बैकलॉग 1 वैकेंसी थी वही है, करंट कोई भी वैकेंसी नहीं निकली है, और SC के लिए करंट वैकेंसी 2 है और बैकलॉग वैकेंसी 12, यानी 14 वैकेंसी। ऐसे ही मैकेनिकल इंजीनियर के लिए उत्तर प्रदेश में टोटल 5 वैकेंसी है करंट और बैकलॉग थी 13, तो 13 5 18, टोटल 18 वैकेंसी आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है। अब उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड की करंट वैकेंसी यहाँ पे देखिए, सिविल इंजीनियर के लिए 10 और बैकलॉग वैकेंसी कितनी थी सिविल इंजीनियर के उत्तराखंड में, 26, यानी इसमें भी 36 है, जिसमें अनरिजर्व्ड की 6 वैकेंसी है बस, क्योंकि बैकलॉग कोई भी वैकेंसी अनरिजर्व्ड के लिए नहीं बची थी, करंट में 6 वैकेंसी अनरिजर्व्ड की निकली है, बाकी यहां आप टोटल कर लेना। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 10 वैकेंसी करंट में है और 26 वैकेंसी पहले थी ये, तो टोटल 36 हो गई, जिसमें 6 वैकेंसी अनरिजर्व्ड वालों के लिए है। अब जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए अभी इन्होंने 5 वैकेंसी निकाली है उत्तराखंड की और प्रीवियस थी 13, तो 13 5 18, टोटल 18 वैकेंसी हैं और अनरिजर्व्ड की 4 वैकेंसी हैं। बाकी जो कैटेगरीज हैं उनकी वैकेंसी आप ऐड कर लीजिएगा, करंट वैकेंसी और बैकलॉग वैकेंसी। तो ये क्लियर हो गया कि इतनी पोस्ट हैं, 36 36 पोस्ट इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए है उत्तराखंड में 36 और उत्तर प्रदेश में 36 और 18 18 आपकी मैकेनिकल के लिए है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कैंडिडेट को CBT एग्जाम देना पड़ेगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना पड़ेगा, जिसका वेटेज 85% है। उसके बाद वाइवा या इंटरेक्शन होगा, यानी इंटरव्यू होगा, जिसका वेटेज 15% है। एग्जाम का डिटेल क्या है वो भी यहाँ दिया है, टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम होगा जिसमें 200 क्वेश्चन आएंगे। 3 पार्ट में ये एग्जाम होगा, पहले पार्ट में 140 क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पर्टिकुलर डिसिप्लिन के, मतलब सिविल वालों के लिए सिविल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल के और मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल के। पार्ट 2 में 30 क्वेश्चन होंगे जनरल अवेयरनेस के लिए, जो कॉमन होंगे सभी ब्रांच के लिए। पार्ट 3 में 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के, ये भी कॉमन होंगे सभी के लिए। ठीक है, मार्किंग कैसे होगी, तो हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, 200 क्वेश्चन है 200 मार्क्स के, तो 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा। अगर एक भी क्वेश्चन सही होता है तो आपको 1 कंप्लीट मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन इसमें माइनस मार्किंग है। अगर एक भी क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 0.25 मार्क्स जो है वो डिडक्ट होंगे। तो ये पूरा एग्जाम पैटर्न का डिटेल है। तो अगर आपको और डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए है, फॉर मोर डिटेल ऑन दिस वैकेंसी क्लिक हियर, तो आप यहां से क्लिक करके इस पेज में जा सकते हो जहां पे आपको सारी डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मैं अपनी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मेरी वेबसाइट में बहुत सारे MCQ क्वेश्चन वगैरह डले हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट के थ्योरी लेक्चर्स डले हैं, तो आपको बहुत इजीली नोट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वगैरह भी मैंने डाल रखे हैं, तो
उन क्वेश्चंस को भी आप देख सकते हो जो आपकी आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे।